महत्तम एवं न्यूनतम मान निकालने के लिए सीखते हैं। महत्तम एवं न्यूनतम मान। न्यूनतम मान हमने कल छोटा सा टेबल भी बताया था, साइन थीटा का जो अधिकतम मान होता है वो कितना होता है। अगर इधर मैक्सिमम मान को लिखे और इधर कौन सा मान मिनिमम वैल्यू को लिखे, तो हम लोगों ने पढ़ा था साइन थीटा का मैक्सिमम मान एक होता है और मिनिमम वैल्यू कितना होता है। कॉस थीटा का अगर पूछा जाए तो अधिकतम मान एक और मिनिमम मान कितना -1। टैन थीटा का अगर पूछा जाए तो अधिकतम मान कितना हो जाएगा इन्फिनिटिव और न्यूनतम मान कितना -∞। अगर तुमसे पूछा कि कॉट थीटा का तो इन्फिनिटिव और -∞। ठीक है, सेक थीटा का पूछा जाए तो सेक थीटा का अधिकतम इन्फिनिटिव और न्यूनतम कितना -∞। कोसेक थीटा की बात करें किसकी, कोसेक थीटा तो इन्फिनिटिव और -∞। इसका इन चारों का कोनो रोल नहीं है, इन चारों की कोनो रोल नहीं है, इसलिए याद रखने की जरूरत भी नहीं है, इससे कभी भी एग्जाम में प्रश्न नहीं आएंगे। थोड़ा सा और आगे ध्यान दो। अब अगर तुमसे पूछता है कि बताओ, तुमसे पूछेगा कि साइन स्क्वायर थीटा का, तो साइन स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान कितना 1, न्यूनतम मान कितना -0। क्योंकि कभी भी स्क्वायर का किसी भी संख्या का स्क्वायर माइनस निगेटिव कहां से होता है, होता ही नहीं, क्योंकि जीरो का कम से कम कितना आएगा, जीरो आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान कितना 0। कॉस स्क्वायर थीटा का बताओ, अधिकतम मान तो 1 होगा बट इसका न्यूनतम मान 0। अगर तुमसे पूछा कि बताओ सेक स्क्वायर थीटा का, तो सेक स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान तो इन्फिनिटिव हो जाएगा, न्यूनतम मान कितना होगा। तो हमने बताया था दो इम्पोर्टेंट बात, सेक थीटा, सेक एवं कोसेक थीटा का मान -1 एवं 1 के बीच में नहीं होता है, के बीच में नहीं होता है। मतलब जाहिर सी बात है कि इसका मान तो 0 हो नहीं सकता है, स्क्वायर का न्यूनतम मान 0 होता है, लेकिन सेक का और कोसेक का मान तो कम से कम अधिक -1 और 1 के बीच में होता ही नहीं है, तो 0 ले नहीं सकते हैं। तब न्यूनतम कितना ले सकते हो, 1 ले सकते हो, निगेटिव तो नहीं लोगे तो पॉजिटिव ही लोगे। अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा का तुमसे पूछे, कोसेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा 1, अधिकतम मान कितना इन्फिनिटी। बातें समझ में आ गए। अब चलो आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब अगर तुमसे पूछा है कि बताओ साइन क्यूब थीटा, क्यूब हो जाता साइन क्यूब थीटा का अधिकतम मान कितना हो जाएगा इन्फिनिटी बोल रहे। साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होगा +1, न्यूनतम मान कितना -1। कॉस क्यूब थीटा की बात कर ले तो अधिकतम मान कितना 1, न्यूनतम मान कितना -1। बातें समझ में आ गए। अगर तुमसे पूछा है कि बताओ एक्स स्क्वायर का अधिकतम मान कितना होता है इन्फिनिटी, न्यूनतम मान कितना 0। किसी भी संख्या के वर्ग का न्यूनतम मान कितना होता है 0। यहाँ पर कोई भी संख्या रहे, x की जगह कुछ भी रह सकता है, और उसका अधिकतम मान कहेगा तो इन्फिनिटी, और न्यूनतम मान कहेगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है। चलो अब इसी से संबंधित एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछेगा। क्या सवाल पूछेगा उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। सवाल रहेगा, मान लेते कहेगा कि बताओ a cos थीटा प्लस b sin थीटा या माइनस भी रह सकता है b sin थीटा का महत्तम या न्यूनतम मान, का महत्तम या न्यूनतम मान कितना होता है, कितना होता है, कैसे निकालोगे। तो इसके लिए डायरेक्ट हम लोग ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट महत्तम और न्यूनतम मान की बात करें तो इसका महत्तम मान होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और न्यूनतम मान में केवल माइनस लगा देते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस कितना, तो ये इसका न्यूनतम मान हो गया, इसका क्या हो गया महत्तम या अधिकतम मान। ठीक है, प्रश्न अगर देगा तो आराम से हम लोग बना भी लेंगे, लेकिन समझ बात आती है कि आखिर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता कैसे है। बात समझ रहा है ना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किस आधार पे कहेंगे कि इसका अधिकतम मान होगा, तो बस थोड़ा सा ध्यान देना तो पता चल जाएगा। ये सब इंटरव्यू भी पढ़ना है, लेकिन इंटरव्यू बहुत सारे टीचर लोग नहीं बताते हैं। समस्या इस बात की है, खाली बस पढ़ना रहता है तो किसी भी एक आध क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं दिया है, तो जिसके वजह से टीचर लोग नहीं पढ़ाते, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देगा तो आराम से सीख पाओगे कि कितना होता है। तो हमें इसी का महत्तम या न्यूनतम मान निकालना है, cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा। कोई दिक्कत है क्या, एक काम कर लेते हैं। काम क्या करेंगे, ये तुम्हारा दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है कुछ, मान लेते हैं कि ये जो दिखाई दे रहा है तुमको, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा ना,
चलो ये कौन सा त्रिभुज है, ध्यान देना, तुम्हारे पास सवाल क्या है, देखो ध्यान देना, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा का महत्तम या न्यूनतम मान कितना होगा। तो हमने देखा कि महत्तम मान डायरेक्ट अगर यूज करें तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसका अधिकतम मान होता है, जबकि न्यूनतम मान कितना होता है, माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। इतनी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इसका अधिकतम मान आखिर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैसे होता है, न्यूनतम मान आखिर माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैसे होता है, इन्हीं बातों को समझते हैं। अगर ये एक समकोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, और इसकी लंबाई को अगर ये मान लिया जाए, इसकी लंबाई को ये मान लेते, इसकी लंबाई को भी मान लेते, तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस, और इस कोण को अगर हम मान लेते, कुछ भी मान लें, कोई इच्छा करे मान लेते, इस कोण को अल्फा मान लेते, कितना मान लेते। तो यहाँ से एक बात तो समझ में आता है, अगर साइन अल्फा का वैल्यू निकाला जाए तो लंब बटा क्या हो जाएगा, कर्ण, लंब ए और कर्ण कितना है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस। अगर कॉस अल्फा का वैल्यू निकाले जाए तो आधार बटे कर्ण यानी बी बटे रूट अंडर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा। इतनी बातें समझ में आ रही बढ़िया से। अगर यहाँ पर भी अगर ए बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहता तो उसके जगह पे हम इसका मान यूज कर सकते थे। तो एक बात समझ में आती है कि वहां पे क्या रहना चाहिए था, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहना चाहिए था। तो कैसे रखेंगे इसको समझते हैं। तो रखने के लिए बहुत सिंपल सा काम करते हैं, ये जो दिया गया इसमें रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से गुना कर देते हैं। गुना करेंगे तो मेरा कर्तव्य बनता है कि इसमें क्या करें, भाग दे दें। तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग दे दिए, इनटू कॉस थीटा हो गया, प्लस माइनस हो गया बी, भाग देंगे तो इसमें देंगे कि दोनों में देंगे, दोनों में देना पड़ेगा। तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये कितना है, साइन थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो अब आगे समझते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना को क्या लिख सकते हैं, इतना को क्या लिख सकते हो, देख लो थोड़ा सा, इतना को क्या लिख सकते हो, a बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से a बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को साइन अल्फा लिख सकते हैं ना। तो इतना को लिख लेते हैं, साइन अल्फा इनटू कितना है, कॉस थीटा प्लस माइनस। बताओ इतना को क्या लिख सकते हो, बात नहीं करो, इतना को क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा। तो लिख लो कॉस अल्फा इनटू कितना, साइन थीटा। एक फॉर्मूला पड़ा है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी, और इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा साइन ए प्लस बी अल्फा, ठीक है ना। अब पूरे का मान अधिकतम होगा कि न्यूनतम, वो किस पर निर्भर कर रहा है, साइन के मान पे। इसलिए अगर अधिकतम मान निकालना होगा तो हमें पता है कि साइन का अधिकतम मान कितना होता है, पता है ना, साइन का अधिकतम मान एक होता है, चलते रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अधिकतम मान चुकी एक होता है तो कितना से गुना कर देंगे, एक से, तो एक से गुना करेंगे तो इसका अधिकतम मान रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। अगर न्यूनतम मान निकालना, कौन सा मान, न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान ये तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका न्यूनतम मान कितना होता है, माइनस वन से गुना कर देंगे तो बताओ कितना आ जाएगा मान, माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया कैसे होता है, ये बहुत अच्छा बात है, बस दो मिनट का काम रहता है लेकिन फिर भी टीचर लोग नहीं बताते, बात समझ में आ रहा है। चलो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पर ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर पहला कह देगा कि बताओ थ्री कॉस थीटा और प्लस फोर साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होगा, का अधिकतम मान कितना होगा, कैसे निकालोगे अधिकतम मान, थ्री कॉस थीटा प्लस फोर साइन थीटा का अधिकतम कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना। ए का देखो, ये कौन है, ये देखो, ए इसमें कौन है, ए कौन है, ये वाला ए है, बी कौन है, तो अधिकतम मान का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो तीन का स्क्वायर हो जाएगा, आज जोड़ कितना क्या स्क्वायर, तीन दिया नौ हो जाएगा, सोलह तो पच्चीस आ गया, और पच्चीस का वर्गमूल कितना, कितना आसानी से बन गया। न्यूनतम मान पूछेगा तो कैसे निकालोगे, ये तो महत्तम मान हो गया ना, महत्तम मान, न्यूनतम मान अगर पूछेगा तो आप चुपचाप देखते रहना शांति से, न्यूनतम मान पूछेगा तो माइनस खाली लगा देना है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चलो माइनस लगा लेते हैं। ए का मान तीन है तो तीन का स्क्वायर जोड़ चार का स्क्वायर, तो तीन दिया नौ चार चौक सोलह पच्चीस हो जाएगा, पच्चीस का वर्गमूल कितना, आंसर कितना, कोनो दिक्कत है। और सवाल देते है, एक सवाल और है, देखो मान लेते क्वेश्चन का जब 5 cos थीटा प्लस रहे या माइनस कुछ भी रह सकता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 12 sin थीटा, 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा, आप प्लस मान लो कुछ और दे देते हैं, 7 का अधिकतम मान कितना होगा, 20000 अधिकतम मान कितना होगा। तो ये सब दे देंगे तो इससे टेंशन मत लेना, मेन तुमको इस पर फोकस करना है,
ए के जगह पांच है तो पांच का स्क्वायर, बी के जगह बारह है तो बारह का स्क्वायर। अगर इन्हें जो भी कांस्टेंट राशि रहेगा उसको चुपचाप लिख देना, सात है तो सात लिख देंगे, प्लस में रहेगा तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में रहेगा तो बाहर है तो बाहर में, तो सिर्फ इतने का रूट में होता है, इसलिए कहां बताए हैं। तो पांच के स्क्वायर पच्चीस हो जाएगा, पच्चीस प्लस एक सौ चौवालीस प्लस सात, ये कितना हो जाएगा एक सौ उनहत्तर, एक सौ उनहत्तर का वर्गमूल तेरह, आंसर कितना गया। अगर इसका न्यूनतम मान पूछता तो आप तो केवल माइनस में कर लेंगे, माइनस रूट अंडर पांच का स्क्वायर जोड़ बारह का स्क्वायर, ये जो है वो रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो पच्चीस प्लस ये तो समझ रहा तेरह हो जाएगा, तो माइनस तेरह प्लस सात कितना माना जाएगा, अरे माइनस तेरह में सात जोड़ेगा तो पांच बचेगा, अजीब दिमाग लगाता है। क्वेश्चन बना लोगे ना, तभी तभी देखो ऐसा ही क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन क्या देगा, क्वेश्चन तुमको दे देगा थ्री इंटू फोर कॉस थीटा, आप प्लस देखो थ्री साइन थीटा, बात नहीं करो थ्री साइन थीटा, और प्लस सेवन का अधिकतम मान कहेगा, किसका अधिकतम मान क्या होगा, कैसे निकालोगे। तो इससे तो हमें कोई मतलब रखना नहीं है, ये जैसे वैसे रखो, और ये चार का स्क्वायर प्लस कितना का स्क्वायर, और यहाँ प्लस कितना हो जाएगा सात, तो ये तो पांच हो जाएगा ना, तो तीन गुणे पांच प्लस सात, बात समझ में आ रहा है ना। करना क्या, अगर तो इसी बेस पर थोड़ा मानी घुमा देता है, कभी इन्हें गुणा कर देगा, कभी इधर जोड़ देगा, कभी घटा देगा, बात समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे सवाल पूछा जा सकता है, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान क्या होगा और न्यूनतम मान क्या होगा, यदि ए का मान किससे बड़ा हो, बी से बड़ा हो, ए का मान बी से बड़ा हो, तो एक काम कर लेना है, ए साइन स्क्वायर थीटा रहने देते हैं और ए बी कॉस स्क्वायर थीटा को वन माइनस क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। तो इसी को अगर हल करें तो ए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस हो जाएगा बी माइनस बी साइन स्क्वायर, कोई दिक्कत तो है नहीं। इधर लेके चलाएंगे ए और साइन स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो ए माइनस बी, और साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा, और प्लस कितना हो जाएगा बी, बातें समझ में आ रही, साइन स्क्वायर दोनों कॉमन हो जाएगा ना, तो बचेगा इसमें ए और इसमें क्या बचेगा ए माइनस बी और प्लस बी। अगर हम इसका अधिकतम मान निकालना चाहते हैं, अधिकतम मान कौन सा मान, अधिकतम मान, तो अधिकतम मान अगर निकालना चाहते हैं तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, वन होता है, साइन स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, वन होता है, तो ए माइनस बी और इंटू कितना लिख लेंगे, वन लिख लेंगे, और प्लस कितना बी, मतलब हो जाएगा ए माइनस बी और प्लस कितना बी, बी से बी कट जाएगा तो इसका अधिकतम मान कितना हो गया, यानी इससे हमें पता चला कि इन दोनों में जो संख्या है बड़ा रहेगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और छोटा अगर न्यूनतम पूछेगा तो इसका न्यूनतम मान बताओ कितना हो जाएगा। न्यूनतम मान की बात करें तो न्यूनतम मान हो जाएगा a माइनस बी, और साइन स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान कितना होता है, जीरो, साइन स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान अभी हमने पढ़ा कितना होता है, जीरो प्लस बी, तो फाइनल वैल्यू कितना आ गया बी, यानी अधिकतम कहेगा तो ये लिख लेंगे, न्यूनतम कहेगा तो ये सब देखो, इतना लफड़ा मोल मत लेना, सिंपल सा एक काम करना, काम क्या करना है कि अगर क्वेश्चन तुमको दिया हुआ रहेगा ना कि भाई बताओ ए साइन स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा ए नहीं रहेगा, क्वेश्चन है मान लेते हैं थ्री साइन स्क्वायर थीटा, थ्री साइन स्क्वायर थीटा प्लस फोर कॉस स्क्वायर थीटा, फोर कॉस स्क्वायर थीटा का अगर तुमसे पूछा कि अधिकतम मान बताओ तो जो बढ़ता होगा वही आंसर होगा, अधिकतम मान बताओ आंसर कितना, न्यूनतम मान कितना, न्यूनतम मान कितना हो गया तीन, बात समझ में आ गया, यानी बड़का जो रहेगा वो अधिकतम मान, छोटका रहेगा वो न्यूनतम मान। एक और क्वेश्चन देते हैं, अगर रहेगा कि फोर साइन स्क्वायर थीटा प्लस मान लेते हैं कि टू कॉस स्क्वायर थीटा, बताओ का अधिकतम मान बताओ कितना होगा, अगर इसके अधिकतम मान की चर्चा करें तो बड़का चार छोटका न्यूनतम, न्यूनतम मान कितना, न्यूनतम मान बराबर दो, कोनो दिक्कत है इसी में। एक और थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन कह देगा कि देखो बात नहीं करो, सात साइन स्क्वायर थीटा प्लस फोर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस मान लेते हैं कि आठ का अधिकतम मान पूछ रहा है, कौन सा मान, अधिकतम मान बताओ, सबसे बड़का कौन है इसमें, सात है कि चार है, और प्लस में आठ है तो वो तो रहेगा अधिकतम मान कितना, अगर इसका न्यूनतम मान पूछेगा बताओ कितना आंसर होगा, न्यूनतम छोटका चार
प्लस आठ, तो आठ का कितना नोट कर लेते हैं। टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस मान लेते हैं फाइव साइन स्क्वायर थीटा और माइनस तीन है का अधिकतम मान बताना है। अधिकतम मान तो पता है कितना हो जाएगा, बड़का पांच में से तीन घटेगा कितना, और अगर इसका न्यूनतम मान पूछेगा तब तो दिमाग काम कर रहा होगा, दो हो जाएगा और माइनस तीन, तो आंसर कितना हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो दो तरफ की बातें हम लोगों ने देख ली है, आगे देखना आगे क्या बात है। देखो बात नहीं करो, आगे ध्यान देना, आगे एक और सवाल पे ध्यान देना। आगे सवाल रहेगा देखो, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या रहेगा, बी कोसेक स्क्वायर थीटा। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा और का इसका जब भी पूछेगा तब केवल न्यूनतम मान पूछेगा, अधिकतम नहीं पूछेगा। ठीक है, अधिकतम मान इसका करेंगे तो अनंत हो जाएगा, कितना हो जाएगा अनंत हो जाएगा। तो इसका अधिकतम मान, सॉरी अधिकतम मान है न्यूनतम मान, इसका न्यूनतम मान कितना होगा, न्यूनतम मान ए साइन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा का क्या बताना है हमें, न्यूनतम मान बताना है। न्यूनतम मान कैसे निकालेंगे थोड़ा सा इस पर भी विचार कर लेते हैं। तो न्यूनतम मान निकालना बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे उस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। चलो तो ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान निकालना, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए, अच्छा इसको लिख लेते हैं रूट ए का स्क्वायर, लिख सकते हैं रूट ए का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ए को तो ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर रूट ए साइन थीटा का दी होल स्क्वायर लिखे तो कोई दिक्कत है, और अगर इसे रूट बी कोसेक थीटा का दी होल स्क्वायर भी लिख दे तो कोई दिक्कत है? नहीं होगा। अभी बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तुम लोगों ने फॉर्मूला एक बार पढ़ा होगा, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का दी होल स्क्वायर और प्लस कितना होता है टू ए बी, प्लस कितना होता है टू ए बी होता है। चलो तो ए का मान है रूट ए साइन थीटा, रूट ए साइन थीटा, और बी का मान है रूट बी, नहीं तुम ज्यादा पढ़ लिया है पोरे भी करने से तो होता है। और प्लस देखो बात नहीं करो, प्लस कितना हो जाएगा टू ए बी, तो टू ए ए के जगह बताओ कितना हो जाएगा रूट ए साइन थीटा, और बी के जगह कितना है रूट बी है, तो इसको भी अंदर लिख देते हैं बी कोसेक थीटा, कोई दिक्कत है का, ऐसे लिख देते हैं डिवाइड रूट कर देते हैं। अब बताओ हमें बताना है इसका न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान एक लाइन और लिख लेते, ये तो हो गया रूट ए साइन थीटा माइनस रूट बी कोसेक थीटा, बातें समझ में आ रही, इतना का दी होल स्क्वायर और प्लस ये टू हो गया रूट अंडर ए बी, क्योंकि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान कितना होता है वन होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है जिसकी वजह से साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान कितना होता है वन होता है, बातें समझ में आ रही है। अब हमें इसका न्यूनतम मान निकालना है, कौन सा मान निकालना है न्यूनतम मान, कैसे निकालोगे न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान होने के लिए इसका मान जितने कम होगा उतना ही पूरे का मान क्या होगा कम होगा, बात समझ में, यानी कि पूरे का मान कम होगा वो किस पर निर्भर कर रहा है इसके मान पर, और ये किसी संख्या का क्या है वर्ग है, और किसी संख्या के वर्ग का न्यूनतम मान हमने पढ़ा कितना होता है जीरो, किसी संख्या के वर्ग का न्यूनतम मान कितना होता है जीरो, इसलिए अगर न्यूनतम मान अगर निकालेंगे न्यूनतम मान निकालेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा बताओ जीरो हो जाएगा, इसका अगर मान निकालेंगे तो न्यूनतम मान कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, न्यूनतम मान कितना हो जाएगा जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा और प्लस इधर कितना हो गया टू रूट अंडर ए बी, यानी फाइनली अगर देखा जाए तो इसका न्यूनतम मान कितना होता है टू रूट अंडर ए बी, टू रूट अंडर ए बी। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, ये टू रूट अंडर ए बी तो होता है, तो ये कब होता है जब इतना का मान क्या हो जीरो हो, इसका मतलब ये कब होता है जब रूट ए साइन थीटा माइनस रूट बी कॉस थीटा का मान कितना, कोसेक थीटा का मान कितना हो जीरो, या इसको लिख सकते हैं रूट ए साइन थीटा, रूट ए साइन थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं रूट बी कोसेक थीटा लिख सकते हो ना, या इसको अगर मान लेते हैं इसको वन बटा साइन लिखेंगे इधर आ जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का जो मान हो गया वो कितना हो जाएगा रूट अंडर बी बटा कितना हो जाएगा रूट अंडर ए हो जाएगा, रूट अंडर बी बटा रूट अंडर ए, इसका मान आ गया साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा, तब इसका मान न्यूनतम मान ए बी होगा। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, एक बात का क्या ध्यान रखना है, तो रूट अंडर बी बटा ए, लेकिन कभी कभी तुमको क्या होगा ना प्रश्न में तुमको क्या रहेगा, तो वो सवाल से थोड़ा सा क्लियर करवा देते हैं। सवाल देखो, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब सवाल क्वेश्चन क्या लिखा,
क्वेश्चन तुमको दे दिया कि बताओ थ्री साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, थ्री साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 27 कोस स्क्वायर थीटा है, कितना है कोसेक स्क्वायर थीटा, 27 कोसेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान कितना होगा। तो तुम लोग तो आराम से निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। टू रूट अंडर ए, ए के जगह 3, बी के जगह 27, 27 की 81, तो 2×9 आंसर कितना आ गया 18 आ गया, आंसर कितना आ गया 18। लेकिन समस्या क्या होगा ना कि देखो अगर अब इसके अकॉर्डिंग समस्या क्या होगा, चूंकि अब ये तब इतना होगा ना, जब तब होगा जब साइन स्क्वायर थीटा का अगर वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर बी बटे ए, तो रूट बी का मान अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27, और ए का मान कितना हो गया 3, कितना आ गया, यानी अगर देखा 3×9=27, यानी इसका मान 3 हो गया। तो बताओ साइन स्क्वायर थीटा का ज्यादा ज्यादा मान एक होता है, ज्यादा ज्यादा मान कितना होता है एक होता है, और यहाँ कितना लिख दिया तीन। सही है कि गलत है, गलत है, यानी ये जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे ये तभी यूज करेंगे जो ऊपरे वाला बी छोटा हो और ये क्या हो बड़ा हो, तभी यूज कर सकते हैं, यानी ये तब यूज करेंगे, तब उपयोग करेंगे, तब तब उपयोग करेंगे, तब उपयोग करेंगे जब बी क्या हो छोटा हो और ये क्या हो बड़ा हो, यानी ए बड़ा हो और बी छोटा हो तभी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये उल्टा हो जाए तब क्या करेंगे, जब ए बड़ा हो जाए, लेकिन देखो अब दूसरा कंडीशन, तो ये बात तो समझे, बी जब छोटा होगा ए से तब, क्या यहाँ ये यूज करना सही बात है, तो यहाँ यूज नहीं कर सकते हैं। जब यहाँ अगर तीन के जगह 27, 27 के जगह 3 के जगह हाँ, अगर यही अगर हम चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन में, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, चेंज क्या कर लेते हैं, 27 को हटा लेते हैं, 27 को यहाँ कर लेते हैं, 27 को क्या कर ले यहाँ, 27 को यहाँ और 3 को यहाँ कर लेंगे तब आंसर, हाँ ये आंसर ठीक है। लेकिन लजन क्या करता है, इस पर ध्यान नहीं देगा कि कने छोटा कने बड़ा है ना, फटाफट मार लेगा, तो फटाफट मारने से समस्या यही हो जाता है, बात समझ रहे हो ना, कि बहुत दिक्कत हो जाता है, समझ में आ रहा है ना। और लेकिन क्या करता है कि ई वाला रट के जाता है, और वो क्या करता है ना, सेटर वाला चला के एक राय ने कर दिया, एक राय ने कर दिया, एकदम 81 एकदम आंसर 18 ऑप्शन नंबर पहले मिल जाएगा। लेकिन सही इसका आंसर क्या होगा ध्यान देना, अगर यही उल्टा रहेगा, यानी 3 साइन स्क्वायर थीटा रहे, 3 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस मान लेते हैं रहेगा 27 कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा का इसका जब न्यूनतम मान निकालने की बात आती है, इसका न्यूनतम मान अगर निकालने की बात आती है तब हम लोग कैसे निकालते हैं, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, न्यूनतम मान हो जाएगा 3 प्लस कितना 27, 27 से 3 कितना आंसर हो जाएगा, तो इसका न्यूनतम मान 30 होगा। तो ध्यान रखना, हमने एक बात पढ़ लिया, हम देखो एक बात लिखवा देते हैं, समझ में आ गया ना, अगर एने वाला छोटा एने वाला बड़ा हो तब जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा, जोड़ देने पर क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। जैसे हम दोनों को हम एक साथ लिख देते हैं, हमने पढ़ा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर नहीं होता, ए साइन स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा बी कोस, बी कोसेक स्क्वायर थीटा रहे, या इसी तरह से ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या रहेगा बी कोस का उल्टा कौन होता है सेक स्क्वायर थीटा, इन दोनों का अगर न्यूनतम मान पूछे, किसका मान पूछेगा न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान 2 होगा, ध्यान रखना न्यूनतम मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, एक को कौन हो जाएगा उस पर ध्यान देना, एक तो हमने अभी सिद्ध किया कि 2√ab होगा, 2√ क्या होगा कैसे होगा अभी सिद्ध, 2√, हां 2√ ई कब होगा जब ए छोटा हो और बी क्या हो बड़ा हो, जब ए बड़ा हो और बी क्या हो छोटा, ए बड़ा हो और बी क्या हो छोटा हो, तब हम लोग ये वाला यूज कर सकते हैं, सही होगा। लेकिन अगर ए छोटा हो और बी क्या हो बड़ा हो, तब इनका न्यूनतम मान ए प्लस कितना होता है बी होता है, ए प्लस कितना होता है बी होता है, बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह देगा कि 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 sec स्क्वायर थीटा, 9 sec स्क्वायर थीटा का इतना, और इसी में कुछ भी दे देगा, प्लस मान लेते हैं कि 7 का न्यूनतम मान, न्यूनतम मान कितना होगा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 sec स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान बताना कितना होगा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 sec स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 sec स्क्वायर थीटा का अगर न्यूनतम मान कहा जाए, तो देखो ए इकरा में छोटा और बी क्या है तब आंसर कितना हो जाएगा 4 प्लस 9 और प्लस 7, तो 9 4 13 7 कितना 20, कोई कंफ्यूजन नहीं ना मन में,
कौन बड़ा रहेगा कौन छोटा, देखना कॉस के साथ अगर छोटका है तब जोड़ देना, कॉस के साथ छोटका रहेगा तो जोड़ देना, कॉस के साथ बड़का रहेगा तो क्या करना गुना करके वर्गमूल निकाल देना। बातें समझ में आ रही है? अब चलो आगे मान लेते हैं क्वेश्चन और दे देते हैं, तुम लोग को ध्यान देना है, क्वेश्चन क्या देते हैं समझना, क्वेश्चन दे देते हैं बात नहीं करो, क्वेश्चन हम देते हैं, मान लेते हैं हमने क्वेश्चन दे दिया 7 cos स्क्वायर थीटा और प्लस मान लेते हैं हमने दे दिया कुछ भी दे देते हैं ऐसे 3 cosec स्क्वायर थीटा, 3 cosec स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान कितना होगा निकाल सकते हो, न्यूनतम मान क्या हो, कैसे न्यूनतम मान निकालोगे, न्यूनतम मान कुछ cos और सॉरी इससे हो जाएगा cos कितना होगा तो कैसे निकालोगे, तो ई देखो बड़का हो गया और ये क्या हो गया छोटा, तो आंसर हो जाएगा 2√3 कितना ए बी, तो 7 × 3 यानी आंसर हो जाएगा 2√21, 2√3 कितना आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत है तो आराम से लगा पाए। इसी तरह का एक और बात रहेगा, देखो सेम बात आती है, अगर रहेगा ए बात नहीं करो, ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी cot स्क्वायर थीटा रहेगा, ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी cot स्क्वायर थीटा का अगर न्यूनतम मान पूछे कौन सा मान पूछे तो इसमें बड़ा छोटा से कोनो मतलब नहीं रहेगा, इसमें बड़ा छोटा से नहीं, क्योंकि tan का अधिकतम मान अनंत तक होता है, tan का अधिकतम मान कहाँ तक होता है अनंत तक होता है, चलते इसमें बड़ा छोटा देखने की कोई जरूरत नहीं, न्यूनतम मान पूछेगा तो आराम से लिख देंगे कितना हो जाएगा 2√ चिद करना होगा तो जैसे हम लोग पहला साइन कोसेक वाला किए थे उसी तरह से कर सकते हैं। बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलो तो इसका न्यूनतम मान 2√ इसका क्वेश्चन रहेगा, मान लेते हैं क्वेश्चन दे दिया हमने 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा और प्लस 2 का न्यूनतम मान कितना होगा, 14 होगा न्यूनतम मान बताओ, इसमें हमें सिर्फ एक ही नियम लगाना है 2√a × b 4 × 9 प्लस कितना, इसमें बड़ा छोटा हमें नहीं देखना है कि कौन बड़ा छोटा है, सिर्फ साइन और कोसेक और कॉस और सेक के केस में देखना है, साइन और कोसेक वाला में देख सकते हो और कॉस और सेक वाला में देखना पड़ेगा, इसमें देखने की जरूरत 9 × 36 = 6 × 6 = 12 12 + 2 आंसर कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब आगे देखो, आगे कभी कभी तुमको पूछता है इस तरह से, कभी कभी पूछतेगा कि ए एक sec स्क्वायर थीटा, कभी कभी तुमको क्या पूछेगा ध्यान देना, कभी कभी पूछेगा कि ए sec स्क्वायर थीटा और प्लस बी बी ध्यान देना, बी तुमको रहेगा बी cosec स्क्वायर थीटा, बी cosec स्क्वायर थीटा का ए sec स्क्वायर थीटा प्लस बी cosec स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान कितना होगा, बात नहीं करो न्यूनतम मान कितना होगा, ए बात नहीं करो, ए sec स्क्वायर थीटा प्लस बी cosec स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान बताना है कितना होगा, ए sec स्क्वायर थीटा प्लस बी cosec स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान कितना होगा, कैसे निकालोगे तो आराम से निकाल सकते हैं ए, और इसे लिख सकते हैं 1 + tan²θ, इसे क्या लिख सकते हैं 1 + tan²θ, बी इसे लिख सकते हैं 1 + cot²θ, कोई दिक्कत, गुना कर लो तो ए हो जाएगा और ए tan²θ और प्लस हो जाएगा बी और बी cot² कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत है तो ए प्लस बी को एक साथ लिख लो और प्लस हो जाएगा ए tan²θ और प्लस कितना बी cot², कोई दिक्कत। चलो आगे समझते हैं, तो ये तुम्हारा हो गया ए प्लस कितना बी, ये कितना हो गया तुम्हारा ए प्लस बी, और हमें इसका न्यूनतम मान पढ़ना था, इतना का तो न्यूनतम मान अभी पढ़ चुके हैं ना, पढ़े हैं ना अभी, बताओ इसका न्यूनतम मान क्या होता है 2√ab, तो sec और cosec के सेंस में हमेशा क्या निकाल लेना ए प्लस बी प्लस 2√ab, क्वेश्चन अगर रहेगा कि बताओ 3 sec²θ 3 sec²θ ठीक है प्लस 9 cosec²θ 9 cosec²θ ठीक है, यानी तो यहाँ पे 4 कर लो कुछ ज्यादा अच्छा वर्गमूल निकल जाएगा, क्या कर लेते हैं 4, ये कितना था sec था ना, चलो तो इसका न्यूनतम मान पूछ रहा है कितना हो जाएगा बताओ, न्यूनतम मान बराबर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा a प्लस बी, तो a के जगह 4 b के जगह
9 प्लस 2 एक के जगह 4 और बी के जगह 9 तो 9 4 13 और 2 गुने 6 तो आंसर कितना कोई ना दिक्कत है दिक्कत ना है। अब आगे देखो आगे क्या ध्यान देना देखो एक बात और देखो आगे हम बात बता रहे हैं ध्यान देना एक बात और क्या है अगर तुमसे पूछेगा देखो ए बात नहीं करो ए sec स्क्वायर थीटा बात नहीं करो देखो ध्यान तुमसे पूछेगा ना कि बताओ ए स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा चाहे केवल ए भी रख सकता है ए sec स्क्वायर थीटा अब प्लस मान लेते रहेगा बी tan स्क्वायर थीटा बी tan स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान कितना होगा इसका न्यूनतम मान कितना होगा ए sec स्क्वायर थीटा प्लस बी tan स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान कितना होगा कैसे निकालोगे तो ऐसे लिख सकते हैं इसको ए sec स्क्वायर थीटा प्लस बी tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस कितना लिख सकते हो ना तो ये ए हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और प्लस कितना बी और sec स्क्वायर थीटा और माइनस कितना हो जाएगा बी दोनों में ए sec स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं sec स्क्वायर थीटा क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं sec स्क्वायर थीटा कॉमन लेने से फायदे क्या हो जाएंगे sec स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो ये प्लस के बाद जाएगा बी sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा और माइनस कितना हो गया अब बताओ sec स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान कितना बताए थे sec स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान बताओ कितना बताए sec स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान कितना बताए थे न्यूनतम मान बताए थे 1 होता है न्यूनतम मान कितना बताए थे 1 तो बताओ इसे से पूरे का अगर इसका न्यूनतम मान निकालना हो इसका न्यूनतम मान निकालना हो तो कैसे निकालोगे a प्लस b और इसका न्यूनतम मान 1 रख लोगे और माइनस कितना हो जाएगा b a प्लस b और माइनस कितना आ गया b b से b कट गया आंसर कितना आ गया a आंसर कौन आ गया a कोई दिक्कत है तो क्वेश्चन कभी भी मान लेते क्वेश्चन तुमको क्या रहेगा क्वेश्चंस रहेंगे क्वेश्चन ध्यान देना क्वेश्चन कैसे रहेंगे क्वेश्चन पर ध्यान देना क्वेश्चन कैसे रहेंगे क्वेश्चन रहेगा कि 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान कितना होगा का न्यूनतम मान बताओ न्यूनतम मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ठीक है ना न्यूनतम मान जो छोटा रहेगा वही आंसर हो जाएगा 3 या 4 में से जो छोटा रहेगा वही क्या होगा आंसर हो जाएगा। अब चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात परीक्षा में बहुत बार पूछता है और बहुत ही प्यारा सा सवाल है सवाल क्या है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना सवाल क्या है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना दिखाई दे रहा सबको तुमसे पूछेगा कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का अधिकतम एवं न्यूनतम मान बताओ अधिकतम एवं न्यूनतम मान बताओ क्या होगा कैसे निकालोगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो याद रखना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का अगर पूछे तो अगर 2 से गुना करके 2 से भाग दे ले तो किसी को कोई आपत्ति चलो तो 1/2 हो गया और ये 2 sin थीटा * cos थीटा को क्या लिख सकते हैं sin 2 थीटा क्या लिख सकते हैं क्योंकि sin 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 sin थीटा * cos थीटा ठीक है। अब इसका जितना मान ज्यादा होगा पूरे का मान ज्यादा तो अधिकतम मान बताओ कितना हो जाएगा तो वो तो डिपेंड इस पर कर रहा है ना अधिकतम मान बात करें तो इसका अधिकतम मान 1 होता ही चलते 1/2 गुने कितना 1 यानी अधिकतम मान कितना हो जाएगा 1/2 अगर इसके न्यूनतम मान की बात करें कौन सा मान न्यूनतम मान बताओ कितना न्यूनतम मान 1/2 और इसका न्यूनतम मान -1 होता है चलते -1/2 तो sin θ cos θ का तो अधिकतम न्यूनतम मान याद रख लेना है 1/2 और कितना होता है -1/2 कौन दिक्कत। और देखो इसमें कभी कभी दूसरा क्या पूछेगा तुमसे पूछेगा कि sin स्क्वायर θ * cos स्क्वायर θ का अधिकतम मान या पूछ देगा न्यूनतम मान तो कैसे निकालोगे ऐसे ही निकालेंगे एक काम कर लेते इसमें 4 से गुणा कर लेंगे और 4 से क्या कर लेंगे
चार से गुना चार से भाग दे देंगे, कोई दिक्कत है? अब हमें फायदा क्या हो गया कि चार को लिख सकते हैं टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का दी होल स्क्वायर, और बट्टा में कितना है चार, और इसका फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा, तो साइन स्क्वायर टू थीटा हो जाएगा और बट्टा कितना हो गया चार। अब साइन स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान तो पता है ना कितना होता है, तो इसका अगर अधिकतम मान पूछेगा कौन सा मान, मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछेगा तो मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है कि इसका अधिकतम मान एक होता है, तो एक बटा कितना हो गया चार। अगर इसका मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा का किसी भी संख्या के वर्ग का न्यूनतम मान कितना होता है जीरो होता है, तो एक बटे चार गुने कितना का। समझ में आया? समझ में आया कि अगर डिग्री यानी पावर अगर इवन संख्या के रूप में हो, किस रूप में हो, इवन संख्या, इवन संख्या मतलब हो सकता है उसके जगह पर क्या हो सकता है, ध्यान साइन के पावर वहां पे दो था तो मान कितना आया दो के पावर दो चार आया, तो अगर मान लेते हैं साइन के पावर फोर थीटा इंटू कॉस के पावर फोर थीटा रहेगा तो बताइए इसका अधिकतम मान कितना होगा, न्यूनतम मान तो जीरो फिक्स है, अधिकतम मान कितना होगा तो वन बटा दो। देखो यहाँ पर चार आया, कैसे आया था, एक बटे दो के पावर दो क्योंकि माथा पर दो था, यहाँ माथा पे चार है तो आंसर कितना जाएगा दो के पावर चार, यानी आंसर आ जाएगा एक बटे सोलह। अगर तुमको पूछ देगा कि साइन के पावर छ थीटा और कॉस के पावर छ थीटा का अधिकतम मान बताओ कितना, का अधिकतम मान अगर पूछेगा तो वन बटे दो के पावर छ लिख लोगे, यानी एक बटा कितना हो जाएगा चौसठ, यानी जितना माथा पर रहेगा उतने यहाँ जाएगा। अगर तुमको परीक्षा में पूछ दे कि बताओ साइन के पावर एन थीटा, साइन के पावर कौन सा थीटा, अच्छा एक बात ध्यान, वहाँ साइन स्क्वायर थीटा था ना, अच्छा चार था तो दो के पावर चार से गुना करेंगे और दो के पावर चार से भाग देंगे, इतनी बात। अगर मान लेते हैं यहाँ पर रहेगा साइन के पावर एन थीटा इंटू कॉस के पावर एन थीटा रहेगा, साइन के पावर एन थीटा इंटू कॉस के पावर एन थीटा, अगर एन सम संख्या के रूप में है, किस रूप में है, सम संख्या के रूप में है, तो इसका जो अधिकतम मान होगा वो कितना हो जाएगा, अधिकतम मान कितना हो जाएगा वन बटा टू के पावर एन हो जाएगा, लेकिन ये तब होगा जब एन कौन सा संख्या हो, सम संख्या, एन बराबर सम संख्या, विषम के लिए अभी हमने बताया नहीं है, विषम के लिए क्या हो जाएगा, विषम के लिए टू के पावर एन माइनस वन, तब विषम के लिए अगर बात करें ना तो विषम के लिए कितना होना चाहिए, तो विषम के लिए भी लगभग वही हो जाएगा, थोड़ा सा खाली मिनिमम मान में चेंज होगा। अगर मान लेते हैं साइन के पावर क्यू थीटा इंटू कितना रहेगा कॉस के पावर क्यू थीटा, तो बताओ इसमें दो के पावर तीन से गुना करना पड़ेगा, दो के पावर तीन से भाग देना होगा, तो ये हो जाएगा टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के दी होल पावर कितना हो जाएगा तीन, और बटा कितना दो के पावर तीन, या इसको लिख सकते हैं साइन टू थीटा, साइन टू थीटा, साइन क्यू टू थीटा, साइन क्यू टू थीटा हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा दो के पावर तीन। अब इसका अधिकतम मान कहा जाए, का मैक्सिमम अगर वैल्यू कहा जाए तब इसका कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू कहा जाए तो वो हमें पता है कि वन बटा दो के पावर तीन हो जाएगा, यानी वन बटा आठ, लेकिन अगर मिनिमम वैल्यू कहा जाए, कौन सा वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कहा जाए ना, तो वन बटे दो के पावर तीन अब गुने कितना हो जाएगा माइनस वन होता है ना, तो आंसर हो जाएगा वन बटे माइनस एक बटा कितना आठ, माइनस एक बटा कितना हो जाएगा आठ। मतलब हमने एक फाइनली निष्कर्ष यही निकाला, फाइनली निष्कर्ष निकाला कि अगर साइन के पावर एन थीटा हो इंटू कॉस के पावर एन थीटा हो तो दो पॉसिबिलिटीज बनता है, पहला बनता है कि एन क्या हो सकता है सम संख्या, एन क्या होगा सम संख्या, और दूसरा पॉसिबिलिटी बनता है कि एन क्या हो विषम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या होगा तब अधिकतम मान की बात कर लेते हैं, और विषम संख्या होगा तब, तब इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा और मिनिमम वैल्यू होगा, तो मिनिमम तो बता दिए जीरो होगा और मैक्सिमम वन बटा दो के पावर कितना, इसमें इसका जो मैक्सिमम होगा ये भी हो जाएगा वही वन बटा दो के पावर कितना एन, लेकिन इसका मिनिमम मान जीरो नहीं होगा बल्कि वन माइनस एक बटा दो के पावर कितना हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है ना, तो सम विषम पर थोड़ा सा फोकस करना। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और रोचक बात बता रहे हैं, देख एक बात तो तुमको पता है, एक बात अगर तुमसे चर्चा करे, अगर तुमसे लिखे की साइन के पावर टू एम मतलब ये विषम संख्या लिखे की सम संख्या लिखे, तो इसका मान जो होगा वो किससे छोटा होगा, किससे छोटा होगा, साइन के पावर 2m का जो मान होगा वो एक्चुअली अगर ध्यान से देखा जाए तो छोटा होगा,
ये छोटा होगा साइन के पावर टू एम थीटा का जो मान होगा ये छोटा होगा किससे होगा तो देखना साइन के पावर फोर थीटा से छोटा हो सकता है और ये किससे छोटा होगा साइन स्क्वायर होगा ना साइन के पावर टू एम थीटा ठीक है ना जितना पावर बढ़ाते जाओगे उतना ही वो क्या होते जाएगा छोटा होते जाएगा जैसे मान लेते हैं हमने देखा कि साइन थीटा का मान कितना है वन साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाला जाए मान लेते हैं साइन थीटा का मान एक बटा टू ले लिए कितना ले लिए तो बताओ साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा एक बटे चार साइन के पावर फोर थीटा का मान निकालेगा तो कितना हो जाएगा एक बटे सोलह जितना ही पावर बढ़ा रहे उतने ही मान इसका क्या हो रहा है घट रहा है ना इसका मतलब साइन के पावर टू एम थीटा लिख लिया यानी सम संख्या के रूप में लिखे तो इसका मान सबसे कम हो गया और फिर सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा साइन स्क्वायर इतनी बातें समझ में आ गई इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसी तरह से लिख सकते हैं क्या लिखेंगे कॉस के लिए लिख सकते हैं कॉस के पावर टू एम थीटा रहे ये भी छोटा होगा किससे कॉस के पावर फोर थीटा से छोटा होगा किससे कॉस स्क्वायर थीटा से अगर ये दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए दोनों को आपस में क्या करें जोड़ इधर हो जाएगा साइन के पावर टू एम थीटा साइन के पावर टू एम थीटा और प्लस हो जाएगा कॉस के पावर टू एम ना लिख करके एन लिख दो ज्यादा अच्छा है एम के जगह क्या लिख देते हैं एन तो ये हो जाएगा टू एम थीटा और इसका जो मान होगा वो क्या होगा छोटा होगा देखो तो ये छोटा या बराबर दोनों हो सकता है बराबर भी हो सकता है जब एक ले लेंगे तो बराबर हो जाएगा तो बराबर कर दो तो छोटा या बराबर हो जाएगा किससे इन्हें भी जोड़ लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस किससे कॉस स्क्वायर थीटा और हमें पता है साइन के पावर कितना हो गया टू एम थीटा हो गया और प्लस कॉस के पावर कितना टू एम थीटा का जो मान हुआ इसका मान हमें पता है कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक और इसका मान कह रहा है कि एक से छोटा या बराबर होगा मतलब हमें ये पता तो चल गया किसका एक से ज्यादा मान नहीं हो सकता है यानी हम लोग कह सकते हैं कि इसका अधिकतम मान कितना होता है एक होता है अधिकतम मान कितना होता है अधिकतम मान बराबर एक अधिकतम मान कितना होता है एक होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टू एम क्या है सम संख्या ये भी क्या है सम संख्या ये एम है और ये एन है तो दोनों अलग अलग हो सकता है यानी अगर पावर सम संख्या तो उसका अधिकतम मान ऑलवेज कितना होगा एक होगा अधिकतम मान ऑलवेज कितना होगा एक होगा और परीक्षा में खूब पूछता है लेकिन छोड़ देता है क्वेश्चन साइन मान लेते हैं तुमको पूछ देगा कि हाँ पूछ देगा कि साइन कॉस स्क्वायर थीटा सवाल क्या पूछा सवाल पूछा कि कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन के पावर फोर थीटा का बताओ फोर थीटा का अधिकतम मान कितना होगा बताओ अधिकतम मान कितना अधिकतम मान कितना होगा कि नहीं होगा बहुत अच्छा सा सवाल है तुमसे पूछेगा तो बहुत बड़का दे देगा कॉस के पावर मान देगा 48 थीटा याद रखना ये सब कम संख्या है आप प्लस मान लेते दे देगा साइन के पावर 184 थीटा लेकिन सोचेगा कि और इतना मनी थीटा दे ले कैसे इसका अधिकतम मान निकाले समझ रहे ना तो अधिकतम मान बिना को सोचे समझे कितना बता देंगे समझ में आ रहा है बहुत सुंदर सा सवाल है तुमको कभी कभी पूछेगा एकदम सिंपल कॉस के पावर फोर थीटा और प्लस साइन के पावर आठ थीटा का अधिकतम मान बताओ कितना होगा जी अधिकतम मान बराबर समझ में आ रहा बात तो बहुत अच्छा बात है मिनिमम ना पूछो क्या दोनों सम रहेगा तब कैसे बनते हैं सम विषम में हमने थोड़े बताया कुछ मतलब है कि सम वो विषम रहेगा तब उसके जनरल नियम एक होते हैं बनाने का ठीक है ना वो डिफरेंशिएशन के नियम से भी बनेगा डिफरेंशिएशन एक चैप्टर पढ़ना होता है ठीक है मैक्सिमम एवं मिनिमम तो मैक्सिमम एवं मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए डिफरेंशिएशन के तरीका से बनाते हैं जैसे तुमको पूछ जाए कि बताओ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का अधिकतम मान कितना होगा तो इसके निकालने के दो तरीका एक तो जनरल तरीका हो गया दूसरा तरीका क्या है कि इसके हम लोग कोई फंक्शन मान लेते हैं और इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं डिफरेंशिएट करेंगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है 3x का डिफरेंशिएशन 3 होता है 2 का कितना 0 और इसका मान 0 कर लो तो 2x + 3 बराबर क्या कर लो 0 इसका मतलब x का मान कितना हो जाएगा -3/2 और -3/2 मान आ गया अब ये -3/2 जब वैल्यू आया ना इस वैल्यू को हम लोग इसमें रख के चेक करते हैं सॉरी -3/2 आ गया चेक नहीं करो -3/2 आ गया अभी -3/2 आया ना तो यही इस पर या तो अधिकतम हो सकता है या तो न्यूनतम हो सकता है तो कैसे पता चलेगा कि अधिकतम या न्यूनतम होगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं फिर से डिफरेंशिएट करते हैं फिर से क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं
तो फिर से करेंगे तो 2x का 2 हो जाएगा और 3 का कितना हो जाएगा 0। अभी आ गया इसका मान 0 से बड़ा। अगर 0 से बड़ा हो गया तो ये जो पॉइंट है ना इस पर न्यूनतम मान आएगा। क्या कौन सा मान आएगा? अगर 0 से बड़ा आया तो न्यूनतम मान होगा और अगर 0 से छोटा मान आएगा तो क्या हो जाएगा? अधिकतम मान हो जाएगा। इसका मतलब अगर x की जगह -3/2 रख देंगे, कितना रख देंगे? -3/2 रखने से जो वैल्यू आएगा, वो कौन सा माना जाएगा? न्यूनतम माना जाएगा। कौन सा माना जाएगा? न्यूनतम। तो अगर न्यूनतम मान निकालना होगा तो न्यूनतम मान कितना हो जाएगा? कितना रखना पड़ेगा x की जगह पे? -3/2। तो -3/2 रख लो, -3/2 का स्क्वायर प्लस 3 x की जगह -3/2 और प्लस 2, तो आंसर हो जाएगा -9/4 और प्लस कितना हो जाएगा देखो, प्लस कितना हो जाएगा तो -9/2 और प्लस कितना 2, तो 4 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 और 2 का एलसीएम 4, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 9 × 2 = 9, सॉरी ये तो 9 ही रह जाएगा और 9 × 2 = 18 और प्लस कितना 2, 9 में से 18 कटेगा तो -9/4 और प्लस कितना है 4, 16 में से 9 कटेगा तो 7/4 कितना हो जाएगा? 4। यानी इसका न्यूनतम मान कितना होगा? 7/4 और अधिकतम मान तो होगा ही नहीं, अधिकतम मान होगा लेकिन कितना हो जाएगा? न्यूनतम मान निकाला गया, अधिकतम मान कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, कितना भी रख सकते हैं। कम से कम कितना आएगा? इतना आएगा। ज्यादा ज्यादा का कोनो पता नहीं तो अनंत आ जाएगा, फिर ज्यादा ज्यादा का कोनो मान पता नहीं चले तो कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। तो ये तो चैप्टर था किसका? न्यूनतम एवं अधिकतम मान निकालने के लिए। बातें समझ में आ गया किसी को?